देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अपनी ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। प्रियंका ने हाल ही में अपनी ड्रेस को लेकर एक किस्सा शेयर किया। प्रियंका ने बताया कि साल 2019 में कांस फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने जो ड्रेस पहनी थी उसकी चैन लास्ट मोमेंट पर आकर टूट गई थी। उप्स मोमेंट से बचने के लिए प्रियंका की टीम ने एक फैसला लिया। दरअसल प्रियंका ने उस वक्त रॉबर्टो कावेली की डिजाइनर ड्रेस पहनी थी। जब ये घटना हुई तो उनकी टीम ने प्रियंका की ड्रेस सुई धागे से सिली। इस काम के लिए टीम के पास सिर्फ 5 मिनट थे। टीम की बदौलत वो वार्डरोब माल फंक्शन का शिकार होने से बच गई। ये पहली बार नहीं हुआ जब प्रियंका को अपनी ड्रेस की वजह से परेशानी झेलनी पड़ी हो। प्रियंका ने एक इंटरव्यू में अपने 2 आउटफिट्स के बारे में बताया था जो उनके लिए काफी अनकंफर्टेबल साबित हुए थे। उनमें से एक ड्रेस वो थी जो प्रियंका ने मिस वर्ल्ड 2000 ब्यूटी पेजेंट के समय पहनी थी। अपनी इस ड्रेस के बारे में बात करते हुए प्रियंका ने कहा था, मिस वर्ल्ड के दौरान मेरी ड्रेस पूरे समय टेप से शरीर पर चिपकी हुई थी, लेकिन जब ताज पहनने का समय आया तो ड्रेस को संभालना मेरे लिए काफी मुश्किल हो गया था क्योंकि ड्रेस में से टेप निकलने लगी थी। आगे प्रियंका ने ये भी बताया कि इस दौरान वहां मौजूद लोगों को लगा कि मैं नमस्ते कर रही हूं, लेकिन मैं यूं हाथ जोड़कर अपनी ड्रेस को संभाल रही थी। मेट गाला 2018 में भी प्रियंका को अपनी ड्रेस की वजह से परेशानी हुई थी। दरअसल प्रियंका चोपड़ा ने मेट गाला 2018 के दौरान राल्फ लॉरेन का व्हाइट रेड गाउन पहना था जो कि काफी टाइट था। प्रियंका ने बताया था कि गाउन अंदर से कोरसेट था जिससे लग रहा था जैसे मेरी पसलियों की शेप बदल गई हो। इस गाउन में प्रियंका मुश्किल से सांस ले रही थी। यहां तक कि उन्हें खाना खाने में भी दिक्कत हो रही थी। वैसे प्रियंका हमेशा अपने अजीबोगरीब फैशन को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। प्रियंका अक्सर अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं, जिससे लेकर वो कई बार ट्रोल भी हो चुकी हैं। उनके फैशन में हॉलीवुड टच तो देखने को मिलता ही है क्योंकि वो बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड की भी जानी मानी एक्ट्रेस हैं। आपको प्रियंका का ड्रेसिंग स्टाइल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।